ये होती है गांव की वाली। आपका आशीर्वाद है, हम आज इतना ऊपर जा रहे हैं। आप ब्लॉग देखते हो, लाइक करते हो, तो आपकी वजह से तो हम हैं। हैप्पी दिवाली। ये है मेरा भाई अमित। अमित का त्योहार है तो भाई साहब मैं बनाने वाला हूँ रंगोली और ये बनाएगा मेरी वीडियो का भी है कभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नहा धोकर हो गया हूँ रेडी। शाम को पहनूंगा मैं कुर्ता पजामा और पापा को भी पहनाऊंगा। और अब जा रहा हूँ मैं मिठाई लेने, क्योंकि आज है दीपावली। तो सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली, ऑल लव यू सो मच। माता रानी लक्ष्मी जी, गणेश जी, सबकी कृपा आप पर बनी रहे। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने पितृ देवताओं के पास। ये हैं हमारे पितृ देवता। अब यहाँ पर मैं दीपक जलाऊंगा, वो धूप जलाऊंगा और आरती, वो क्या बोलते हैं, माला चढ़ाऊंगा, बर्फी खिलाऊंगा, बाबा को नहलाऊंगा और फिर आएंगे हम शाम को दीपक जलाने यहाँ पर। तो सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद होता है हमारे पास, तो सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर गाइज मैंने चढ़ाए फूल पितृदेवताओं को नहलाने के बाद, उसके बाद की थोड़ी सी पूजा हमने, जो धूप जलाकर पूजा करते हैं। फिर पूजा करने के बाद गाइज मैंने लगाया पितरों को भोग मीठे का। दीपावली वाले दिन उनको मीठा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने लगाया उनको भोग। तो गाइज मेरी पूजा हो गई है और अब जा रहा हूँ मैं घर, क्योंकि मुझे जाना है सिंभावली मील थोड़ी मिठाइयाँ लेने, क्योंकि जो हमारे यहाँ के आसपास के जो हमारे घर पे काम करते हैं लोग, उनको मिठाइयाँ देनी है। और सबसे पहले मैंने आशीर्वाद लिया है अपने बड़ों का, जो हमारे बाबा अम्मा हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो स्पेशली हम इसी के लिए गाँव आए थे। तो आशीर्वाद मैं ले चुका हूँ, अब जा रहा हूँ मैं मील पर। और गाइज फिर मम्मी ने भेजा मुझे मंदिर, जो हमारे गांव वाला मंदिर है वो इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा सुंदर है वो, आज भी ऐसा ही है जैसे हमने बचपन में देखा था। और फिर मैं माता रानी के लिए लेकर गया चुनरी, मम्मी ने बोला था चुनरी चढ़ा के आनी है। और यहाँ पर मैंने इन्हें स्नान कराया। और आप देख सकते हो चामंड मैया बोलते हैं इनको, ये हमारे गाँव की बहुत फेमस देवी माँ है। आप दर्शन करिए हनुमान जी के भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर जाकर। और ये शिवलिंग को मैंने स्नान कराया यहाँ पर, ये हमारा अभी नया मंदिर बना है तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। तो गाइस वेज बिरयानी खाने के बाद मैंने गांव के लिए ली मिठाई, जो कि मुझे बांटनी थी। और गांव में इस तरीके से ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है तो लोग शॉप से निकाल कर बाहर रख लेते हैं, फिर भी मैंने एक शॉप से ली मिठाई। और मिठाई पैक कराने के बाद मैं चला गया सीधा कभी के घर। तो भाई साहब मैं बनाने वाला हूँ रंगोली और ये बनाएगा मेरी वीडियो का भी है कभी। हाँ। मैं रंगोली बनाऊंगा तो मेरी वीडियो बनेगी, ठीक चल। तो गाइस फाइनली मेरी रंगोली बनकर हो गई थी रेडी, क्योंकि बहुत टाइम लगा इस रंगोली को बनाने में, क्योंकि बहुत सारे कलर्स थे और डिजाइन इतना हार्ड था। मैंने फ़ोन से देख देख कर बनाई, क्योंकि हर साल मैं ही रंगोली बनाता हूँ तो मेरी आर्ट अच्छी, इसलिए मैंने फ़ोन से देख देख कर रंगोली रेडी कर दी। तो गाइस रंगोली बनाने के बाद मैं निकल गया खील और हाथी घोड़े और बतासे ये सब लेने, जो कि पूछते हैं। और फिर वहीं पर कभी को लगी भूख तो उसने खाए छोले चावल। छोले चावल खाने के बाद हमने खाए गाइस हरे हरे ग्रीन ग्रीन अमरूद, जो कि अंदर से बहुत रेड रेड थे, और इनको खाकर गाइस मज़ा ही आ गया। वाह, मैं और कभी खा रहे हैं अमरूद, कभी मीठे बढ़िया लग रहे हैं ना, मसाला लगा खाओ गाइस, क्या मज़ा आ रहा है। और गाइस मैंने लिए फिर पूजा के लिए फूल, जो कि आज थी घर पे पूजा। गाइस नहर पे मिलेंगे बहुत सारे बंदर, तो मैं उनके लिए थोड़े से फल ले लेता हूँ यहाँ पे उनको खिलाने के लिए है। बंदरों के लिए लिए गाइस यहाँ से मैंने केले, उनको केले बहुत पसंद है। और गाइस ये है नहर, यहाँ पे मैं नहाया भी हूँ कभी, तुझे पता है। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना दिवाली का मौका है और दिवाली पर भी इनको भी बंदरों को भी कुछ खिलाया जाए, ताकि इनकी भी दिवाली सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से बन गया। अरे गांव की दिवाली देखो कुछ इस तरीके से बनती है। और ये देखो ये है इनके पटाखे, फोड़ो भाई, चलो तू फोड़।
ये है, ये होती है गांव की दिवाली, समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई। वाह मजा ही आ गया। इसमें क्या क्या डालते हो भाई ये तो बताओ। गंधक पटाओ। अब कैसे कैसे है ये? मम्मी ये देखो लौकी लग रही है, ये भी लेके चलेंगे हैं, चलोगी? ताजी है, अच्छी लगे हैं ये देखो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। इस देखो हमारे चाचा की छत से दिख रहा है पूरे हमारे खेत, ये देखो कितना अच्छा व्यू है गांव में। और इधर रहते हैं सारे माली, ये माली के खेत हैं, इसमें सब पालक आलू मटर गोभी ये सब लगाते हैं इसमें। वो देखो आंटी जा रही हैं कसला लेके। और ये है हमारी जगह, यहाँ पर उपले भी लगाए हुए हैं किसी ने। अब मैं आया हूँ आंटी से मिलने, देखो आंटी मेरा ब्लॉग देखती है, कैसी हो आप? बस बहुत अच्छी है। कैसी लगती है वीडियो आपको? बहुत अच्छी लगती है। अब भैया आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, मम्मी हमेशा आपकी तारीफ करती है। अच्छा थैंक यू। अच्छा ब्लॉग में देखा होगा आपसे। अच्छा भैया भी मिले, आप भी मिले, अच्छा लगा आंटी आपसे मिलके। धन्यवाद, लव यू। आजा ये देखो आंटी ने हमारे लिए जूस लेके आई है, ले भैया से मिलकर अच्छा लगा। और इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, आ जाओ आ जाओ। ये भी है, ये है भैया का बेटा, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। आज ये है हमारी प्यारी सी आंटी। आंटी मेरे ब्लॉग देखती है डेली, है आंटी कैसा लगता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपका आशीर्वाद है हम आज इतना ऊपर जा रहे हैं। आप ब्लॉग देखते हो, लाइक करते हो, तो आपकी वजह से तो हम हैं, वरना हमें कौन जानता है ना। आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखो हमारे ऊपर। और ये है हमारे बड़े भैया। बड़े भैया को तो मैं काफी टाइम से जानता हूँ, बट लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये मुझे जानते हैं, है ना। कोई बात नहीं, चल पहचान वैसी होगी भैया। मम्मी को तो तुम जानती हो, बिल्कुल मम्मी को तो जानते हो, नानी को भी जानते हैं, मतलब मेरे मामा वामा ही लगे, मुझे ये नहीं पता रिलेशन में क्या लगे, बट लगे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और गाइज ये है मेरा दिवाली आउटफिट, कुर्ता पजामा, कैसा लग रहा है बताओ, कमेंट करना। और हेयर स्टाइल तो हो ही रहा है मेरा अच्छा। मैं जा रहा हूँ मिठाई बांटने, क्योंकि ये मिठाई है, एक ये है, ये भी बहुत अच्छी है ना। मिठाई खाएगी, क्या खाएगी है भाई? देखो चाची अपने कृष्ण जी के लिए कितना करती हैं, ये देखो लड्डू गोपाल जी की होली बना रही हैं, ये बैठे गर्म कपड़े पहन के, कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, चलो भैया दूसरी जगह चलते हैं। इसके यहाँ पे हो रही है पूजा, लो मिठाई, हैप्पी दिवाली, ठीक है सबको खिलाना। लो ताई लाओ बेटी, हैप्पी दिवाली। ये हो पैसे मैं कल देके जाऊंगा, अभी निकले ना मैं गया बैंक, ठीक है, कोई बात, तुम्हारा आशीर्वाद है, बनाओ ठीक है, भगवान दीजिए, हैप्पी दिवाली। देखो इनकी दिवाली कितनी अच्छी बन रही है, देखो छोटा सा घर है, उतनी प्यारी सी दिवाली, क्यों पूरी फैमिली के साथ, ठीक है लता कैसी है? बढ़िया। हां ले भाई, और ये डब्बा है लता का, हमारी लता का, लता हैप्पी दिवाली, बनेरा भगवान, ठीक है, और तुम्हारा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, ऐसा आशीर्वाद बनाए रहो प्यार, ठीक है। ये देखो झोंपड़ी में ये है लता, और ये है लता का घर, ये देखो कितनी प्यारी दिवाली बन रही है इनके यहाँ पे। और ये देखो लता, ये किसने बनाया, बड़ा प्यारा लग रहा है, इसने काजल में, अरे वाह, बड़ा कुर्ता मत जला दियो, वो लाइट लगा रहा ऊपर मेरा भाई। मैंने और हम इतना पहना है इस कुर्ता पजामा, देखो क्या मस्त, ये है इसका आउटफिट और ये है मेरा आउटफिट। कुछ बोल, क्या बोलूं? कुछ तो बोल, अपना इंटरव्यू दे अपना। ये है मेरा भाई अमित, अमित दिवाली का त्योहार है, थोड़ा तेज, आज दिवाली का त्योहार, आज गोलवर में आए हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे। मेरी तरफ से और मेरे भाई की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका घर ऐसे ही खुशियों से जगमगाता रहे, और मैं यही कामना करूंगा, आज हैप्पी दिवाली भी है, और मेरे भाई की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली अगेन एंड अगेन। और गाइस ये भी कुछ बोलना चाह रहा है, बोल। मैं क्या बोलूं? फिर भी बता रहा हूँ, हमारी चाची ने बनाया आज पनीर, लेकिन मुझे पनीर खिलाया नहीं चाची ने, मैं कई बार निकल गया यूने के, चल आजा पनीर खा ले। अरे भैया ध्यान ना रही, तुम्हारा ध्यान ना रही,
तो तुम ऐसा करो करोगे अब जब भी मांगो। चलो अब नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है? खा ले तो सही थे। ना ना अब तो मैं खा ही आया, अब तो क्या है? समझ रहे हो, समझ रहे हो? कभी कैसा बना है? बहुत मस्त। मम्मी के हाथ का खाना कैसा है बता? बहुत अच्छा बना। बढ़िया। आलू बैंगन से खा रहा है? नहीं, आलू गाजर है शायद। मैं तो छोड़ने ना आया हूँ। तो गाइस कभी को छोड़ के आने के बाद मैंने करी पूजा की तैयारी, फिर मैंने और मम्मी ने दोनों साथ मिलकर करी हमने पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा मैंने और मम्मी ने, और फिर करी हमने आरती। मम्मी ने लगाया मुझे टीका, फिर हमने आरती करने के बाद पूरे घर में मैंने आरती घुमाई भी, ये जो धूप देते हैं पूरे घर को। फिर हमारी पूजा हो गई ख़त्म, मैंने मिठाई विठाई पहले ही बांट दी थी। ये था हमारा प्यारा सा घर और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर, लक्ष्मी जी गणेश जी। मम्मी ये गाय के गोबर से बनी हुई है, इसको मंदिर में जला दो। ये थी गाइस गाय के गोबर से शुद्ध बनी हुई मोमबत्ती, इसको मैंने जलाया मंदिर में। तो बाय बाय गाइस, मैं लेता हूँ यहीं से विदा और मैं अपने गांव में हूँ, यहाँ पर बहुत ठंड है तो मुझे एक बढ़िया बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, लेकिन मुझे सबसे पहले करना था ब्लॉग एडिट क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। कल मेरा टाइम शेड्यूल फिर से बिगड़ गया गांव में क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। मैं छत पर डालने गया था ब्लॉग, तो सुबह का मैंने ब्लॉग डाला, शाम को कितने बजे डाला वो आई गेस 3 या 4 बजे डल पाया। तो गाइस वैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे, तो सबसे पहले मेरा ब्लॉग लाइक करो प्लीज़। तो ये प्यार भरी किस आप सबके लिए, करते हैं ब्लॉग का यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।